हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक रिजल्ट के बारे में। साथ में फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि यूपी में कितना कॉलेज गवर्नमेंट है, कितना प्राइवेट है, किस कॉलेज में कितना सीट है, कौन से ट्रेड के लिए सीट है, कैसे आपको चेक करना है, राइट, मैं आपको बताने वाला। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको और भी अपडेट मिल पाए। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे आपका जो है। ओके, सो यहाँ पे सर्च कर लेंगे यूपी, ओके बी टी ई यूपी, ठीक है। सर्च करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा। ये सिर्फ हम कॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं, बाकी रिज़ल्ट की भी बात हम करेंगे यहीं पे। ओके, सो ये देख सकते हो ओपन हो गया है। यहाँ पे हम इसको डेस्कटॉप मोड में डाल देते हैं। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो ओपन हो रहा है। फ्रेंड्स हम इसके बीच में बात कर लेते हैं रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट फ्रेंड्स देखो अभी तक तो आया नहीं है, और रिज़ल्ट आप लोगों का जो आएगा फ्रेंड्स वो 2-3 दिन के अंदर रिज़ल्ट जारी होगा। देखा जाए तो 16-17 में जारी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का ओपन होगा फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो इंस्टीट्यूट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, सो देखो मैं आपको बता देता हूँ चेक करना कैसे। तो यहाँ देखो फ्रेंड्स ऑप्शन आपके सामने है। देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स है, तो आपको यदि देखना है यहाँ पे गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड सेमी गवर्नमेंट तीनों का देखना है, तो फिर आप यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करो। यदि आपको किसी एक का देखना है, जैसे आपको मानो कि यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट, एडेड एंड प्राइवेट। तो आपको तीनों में से जिसका देखना है उसका आप देख सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मैं गवर्नमेंट सेलेक्ट करता हूँ, गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे चेक करना है ऑल डिस्ट्रिक्ट। यदि आपको ऑल डिस्ट्रिक्ट चेक करना है तो ऑल डिस्ट्रिक्ट में चेक करो, या फिर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में चेक करना है तो वो चेक करो। और यहाँ पे फ्रेंड्स है ब्रांच, आपको ऑल ब्रांच में सीट चेक करना है या फिर किसी एक ब्रांच में चेक करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कोई एक यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे ब्रांच आप ऑल रखना हो तो रख लो, या फिर आप कोई स्पेसिफिक ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं ऑल ही रहने देता हूँ, आप सिलेक्ट करना होगा कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, राइट, तो यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो फ्रेंड्स किस तरह से फ़िल्टर होके आएगा। यहाँ पे फ़िल्टर हो जाएगा, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज दिखेगा और सिर्फ इसी डिस्ट्रिक्ट में दिखेगा, और सारा ऑल ब्रांच का दिखेगा, ठीक है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया उस तरह से, यहाँ पे देख लो सिर्फ दो ही कॉलेज है, एक है गर्ल्स कॉलेज और एक है यहाँ पे संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके बारे में यदि आपको डिटेल देखना है तो व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं डिटेल खोलता हूँ, तो कॉलेज का डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कॉलेज का डिटेल एंड आपको यहाँ पे टोल फ्री नंबर सब मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इजीली। बाकी देख लो उस कॉलेज में कितना सीट है, ठीक है। देखो कौन से ट्रेड के लिए कितना सीट है यहाँ पर दिया गया, आप देख लो, ठीक है, ये है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको चेक करना है आपका जो भी है। और रिज़ल्ट फ्रेंड्स आप लोगों का 2-3 दिन, 15 तारीख के बाद किसी टाइम भी, किसी दिन भी आ सकता है, 16 को या फिर 17 को, ठीक है। सो अपडेट रहना, जैसे भी कोई ऑफिशियली अपडेट आएगा, ठीक है, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, राइट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।